दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं आज की भर्ती के बारे में जो निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस में। सब इंस्पेक्टर के 5000 पदों पर जल्दी भर्ती होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल है, क्या मेडिकल है, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज आई है इसकी, 5000 दरोगाओं की भर्ती अगले महीने से शुरू होगी। महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए 20% पद। पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर व पीएससी प्लाटून कमांडर के 5000 पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। यह भर्ती अगले महीने के अंत तक शुरू हो जाने की संभावना है। गौरतलब है कि हाल ही में पुलिस महकमे में प्रमोशन से 7500 पदों को भरा गया। इसके अलावा करीब 2200 सब इंस्पेक्टर को पिछले दिनों इंस्पेक्टर बनाया गया है। ऐसे में प्रदेश में लंबे समय से सब इंस्पेक्टर की काफी संख्या में पद खाली है। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड को प्रस्ताव मिलने के बाद समयबद्ध सारणी तैयार की जा रही है ताकि इन पदों को शीघ्र ही भरा जा सके। इस भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्लाटून कमांडर के लगभग 250 पदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे 4750 में से 950 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जो अब तक की सबसे ज्यादा बताई जा रही है। दोस्तों साथ ही साथ आप इसमें एक और न्यूज पढ़ सकते हो, सिपाही भर्ती परीक्षा आज से एसटीएफ है इंटेलिजेंस सक्रिय। ये पूरी न्यूज आप हिंदी में पढ़ सकते हो, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंच के आप ये पूरी न्यूज हिंदी में पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो, ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु 21 से 28 वर्ष है। सिलेक्शन की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और रिटन एग्जाम के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की आप यहां पर जानकारी देख सकते हो, सबसे पहले मेल के लिए देख सकते हो। जनरल ओबीसी या एससी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर है और चेस्ट 79 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। एसटी के लिए देख सकते हो 160 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट 77 और फुलाने के बाद 82 है। फीमेल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट इसमें नहीं दी हुई है। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी की डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है 28 मिनट में और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हो। जनरल हिंदी में 100 मार्क्स आएंगे, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन या जनरल नॉलेज में भी 100 है, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 100 है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट या टेस्ट ऑफ रीजनिंग में भी 100 दिए हुए हैं। डेट जल्द ही इसकी डिक्लेयर होने वाली है। हमारी वेबसाइट को आप डेली विजिट करते रहे, इस पर हम जब भी डेट डिक्लेयर होगी तो यहाँ पर डेट अपडेट कर देंगे। ऑनलाइन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन के स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।